तो दोस्तों, अभी आपने वीडियो में देखा कि फोटोग्राफर के पास कौन सी चीज़ अहम होनी चाहिए। अगर आपने गेस किया था ट्राइपॉड तो आप सही थे, क्योंकि ट्राइपॉड एक फ़ोटोग्राफर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि अभी मेरा सामने से जो कैमरा है वो जो वीडियो कर रहा है, तो उसमें ट्राइपॉड नहीं था, तो हमने जुगाड़ लगाया है। तो ट्राइपॉड इज़ अ मोस्ट कंपल्सरी फॉर अ कैमरामैन। तो अभी मैं आपके सामने जो खोलने जा रहा हूँ जो ट्राइपॉड, वो है वैनगार्ड। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसके तीन लैग है, तो दो में एक ग्रिप बनाया है पकड़ के, कि समटाइम्स मुझे कुछ ऐसे शॉट लेने हैं कि मैं ऐसा पकड़ के भी शूट कर सकूं मेरे DSLR में या मेरे कैमरे में वीडियो के लिए, तो मैं ये कर सकता हूं। तो ये दो ग्रिप हैं आपके ट्राइपॉड को उठाने के लिए। अब सबसे अहम बात, नीचे अभी रबर शॉकर्स दिए हैं। रबर शॉकर्स होते हैं कि जब हम ये कहीं फ्लोर सरफेस है जहाँ पे टाइल्स लगे हुए, यानी कि बैंक्वेट हॉल या ऐसे हॉल में जाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम इसकी हाइट चेक करेंगे कि इसकी हाइट कितनी है। ये मेरा लेग नंबर वन, इसको सिर्फ हाफ राउंड घुमाना है और इसको पुल करना है और फिर से इसको बंद कर देना है। तो ये लेग वन, ये लेग टू और ये लेग थ्री। तो ये मेरा इतना हाइट तो है, यानी कम से कम पाँच फीट तो होगा। ये 5 फीट के बाद इसको और ऊपर ले जाना है, तो ये यानी कि ये मेरी 5'11" हाइट है, तो ये 6 फीट, यस, ये 6 फीट तक ये ट्राइपॉड जा सकता है। तो ये बंद हो जाए, तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 6 फीट हाइट थी, अभी हम इसके ऊपर इसके और जो फीचर्स हैं, यानी कि एडवांस फीचर, क्योंकि नॉर्मल ट्राइपॉड तो हर कोई होता है, तो इसका वीडियो बनाने का रीज़न क्या है ट्राइपॉड का, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मैं यहां से ये लॉक को खोलता हूं और इसको भी यहां से खोल देता हूं, इसको भी यहां से खोल देता हूं, और जस्ट आप ये देख सकते हो कि मैं इसको यहां से और इसको यहां से लॉक कर दूंगा। तो ये मेरा कोई मान लो मैं प्रोडक्ट शूट कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट शूट में मुझे टॉप एंगल से, जैसे कि मैं YouTube वगैरह में अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया करता हूँ, तो मुझे टॉप एंगल से कैमरा लगाना होता है। तो ये टॉप एंगल से मैं कैमरा लगा के ये वाला शॉट भी, या तो मान लो आपका कपल प्री वेडिंग कर रहे हो और उसमें भी कुछ टॉप एंगल शॉट डिज़ाइन करने हैं, तो ये टॉप एंगल अभी मैं आपको कैमरा लगा के भी दिखाऊंगा। और इसके दूसरी तरफ भी, यानी कि ये सिर्फ एक तरफा नहीं है, इसको मैं अभी यहाँ पर लॉक कर देता हूँ और अभी कैमरा लगाते हैं। ये कैमरे के ऊपर हम बेस प्लेट लगा रहे हैं, तो इसका एक चीज़ अच्छा लगा मुझे कि अगर मेरे पास कॉइन नहीं भी है तो भी मैं ये प्लेट को फिक्स कर सकता हूँ, अगर कॉइन है तो भी फिक्स कर सकता हूँ, यानी विद कॉइन विदाउट कॉइन यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा। अब ये बॉल हेड है मेरा, तो बॉल हेड के हिसाब से ये अभी हो गया यहाँ पे फिक्स। अभी मान लो मैं कुछ शॉट ऐसे बनाना चाहता हूँ, तो जैसे कि डेकोर में कहीं पे शादी के मंडप के बीच में मैं खड़ा हूँ, तो ये शॉट ऐसे भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। कुछ शॉट मेरे होते हैं कि जस्ट लाइक कि ये मुझे चाहिए कुछ शॉट ऐसे, तो ये स्टेबिलिटी बनी रहेगी मेरी शॉट की, तो ये शॉट भी है। अगर कुछ यानी कि एग्जिट नॉट अ स्लाइडर टाइप, बट कुछ स्लाइडर वाले शॉट भी यहाँ पे निकल सकते हैं अगर आपका हाथ अच्छा है तो। जस्ट लाइक ये कैमरे को मैं तो कुछ शॉट, जैसे कि मुझे स्लाइडर वाला शॉट लेना है, तो मैं ऐसे शॉट भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। यानी कि आपको स्लाइडर अगर आपके पास नहीं है
तो आप ऐसे भी शॉट को डिज़ाइन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, बट इट्स वेरी गुड फॉर अ पैनिंग शॉट। अभी दूसरा जो मेरे दिमाग में आ रहा है शॉट, वो है टॉप एंगल वाला। अगर मान लो मुझे एक जिम्मी टाइप शॉट चाहिए, तो ये मेरा शॉट ऐसे निकलेगा, ऐसे भी बनेगा, और इसको भी अगर मैं लूज़ रख देता हूँ और थोड़ा सा 45 एंगल इसको फिक्स करता हूँ, तो भी ये शॉट इस टाइप का शॉट में कुछ डिज़ाइन कर सकता हूँ। हालांकि ये अभी नया है मेरे लिए, मैं इसके ऊपर स्टडी करके इसके जो भी शूट है वो आपके साथ शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल हम इसको कर देते हैं नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड में आपको, हाँ, नॉर्मल मोड पे करने से पहले एक चीज़ और आपके सामने बताना चाहता हूँ कि ये जो रॉड है उसकी अहम बात क्या है। मान लो मुझे कहीं पे कांस्टेंट लाइव के लिए, यानी कि ज़्यादातर वेडिंग में संगीत वगैरह होता है तो लाइव में हमें कैमरा लगाना पड़ता है, तो दो एंगल फिक्स कर रहा हूँ, एक में वाइड एक में टैली, तो मुझे उसके लिए दो ट्राइपोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही ट्राइपोड पे ये हो जाएगा। अभी मैं इसको इधर कर देता हूँ फिक्स, और हमें मिलता है एक फ्री में इस ट्राइपोड के साथ एक छोटा सा हेड टाइप, तो इसके ऊपर आप हेड कैमरा लेंसेज या कुछ भी माउंट कर सकते हो। जस्ट लाइक मैं अभी माउंट करूँगा, वो मॉनिटर दे दो, हाँ कोई बात नहीं, अकेला मॉनिटर अभी दे। जस्ट लाइक अभी मेरे पास ये CBW स्विफ्ट जेड है। जैसे कि मेरा ज़्यादातर लाइव जब काम चलता रहता है तो मुझे मॉनिटर भी लगाना पड़ता है, तो ये मेरा मॉनिटर भी यहाँ लग जाएगा और मेरा कैमरा भी, यानी आप देख सकते हो कि मेरा मॉनिटर और कैमरा दोनों एक साथ। अगर मेरे दो कैमरा है, इधर एक कैमरा इस तरफ लगा दूँ, इधर एक कैमरा इस तरफ, और दो कपल है उसको गोल गोल घुमाने वाला शॉट भी मैं इस पर डिज़ाइन कर सकता हूँ। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो ये ट्राइपोड, वाह, हम झूला का काम भी करेंगे, छोटे बच्चे जो झूला खेलते हैं ऐसे गोल गोल, तो ये भी अच्छा है। जैसे कि ये शॉट मेरा यहाँ पे है, तो मैं कुछ ऐसा डिज़ाइन कर सकता हूँ कि ये डिज़ाइन यहाँ पे बन सके, तो बहुत सारे शॉट इसमें डिज़ाइन हो सकते हैं। अभी तो इसकी और भी बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी है, तो मैं अभी इसको फटाफट में थोड़ा आपके सामने बताऊँगा। पहले तो इसको रिमूव कर देता हूँ। ये आ गया मेरा नॉर्मल ट्राइपोड की तरह। अब कितनी बार क्या होता है कि भाई मेरा ट्राइपोड स्टेडी नहीं है, यानी कि वाइब्रेशन हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, और कहीं पे ऐसी जगह पे जाते हैं कि जहाँ पे सतह पे हम हमारा कैमरा बैग नहीं छोड़ सकते। तो ये है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, और जस्ट लाइक मैं अभी कैमरा बैग की जगह मैंने हैंग कर दिया, तो मुझे नीचे कुछ रखने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे हैंग भी कर सकता हूँ। Thank you.
आपने देखा कि वैनगार्ड का ये ट्राइपॉड, इसमें लो एंगल है, स्लाइडर भी है, जिम्मी भी है, बैंग हैंग करने का भी है और सब कुछ है। तो ये सारे जो स्टॉक शॉट वगैरह वीडियो जो शूट किए हैं मिस्टर वीरज मुलाणी, और उसमें हेल्पिंग में हमारे रहे थे शिवम प्रजापति, ही इज़ अ बुरा, तो दे बोथ आर वेरी सपोर्टिंग फॉर मी, देन स्पेशली थैंक्स फॉर देम। और इन दोनों की इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सके। वीरज इज़ अ वेरी गुड कैमरामैन, वो सिनेमेटोग्राफी भी करते हैं, उनका फोटोग्राफी का भी है। अहमदाबाद बापूनगर एरिया में इनके जो पिताजी है मिस्टर वज्जू भाई मुलाणी, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी, और उनका जो स्टूडियो है रूपकला के नाम से, जो बापूनगर रोड पे है, तो आप अगर अहमदाबाद के हैं तो उधर विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये ट्राइपॉड आपको कैसा लगा, ये ट्राइपॉड कहाँ से ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है और कितने का आएगा, तो प्राइस मैं अमेज़ॉन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर सकता हूँ। अदरवाइज़ आप नज़दीकी फ़ोटो गुड्स में जाइए और वहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट करिए, या तो वैनगार्ड की जो वेबसाइट है वो वेबसाइट भी आपको नीचे मिल जाएगी, इसका जो वैनगार्ड की वेबसाइट पे जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन हमारा ये जो वीडियो आपको कैसा लगा, तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, यस लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, और ये वीडियो हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, अभी अलविदा लेता हूँ, बहुत जल्द मिलूँगा नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, जय श्री कृष्ण, आओ जो